So hey guys, welcome back to another video. Today let's talk about one very interesting thing that happened. तो अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर ने एक नया निंटेंडो स्विच ओलेड खरीदा था. मैंने वो वीडियो देखी ना, आई वॉज एक्चुअली क्वाइट हैप्पी कि यार निंटेंडो ओलेड या फिर निंटेंडो स्विच कोई पॉपुलर यूट्यूबर खरीद रहा है, उससे अवेयरनेस बढ़ेगी तो और लोग खरीदेंगे. एंड उन्होंने काफ़ी बताया कि वो काफ़ी खुश है, उनका ड्रीम था ओलेड खरीदना एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो उसके बाद अभी बहुत रिसेंटली एक और वीडियो डाली उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि निंटेंडो ओलेड खरीदना, निंटेंडो स्विच खरीदना पैसा बर्बाद है, विच ऑफकोर्स इज गोज़ अगेंस्ट एवरीथिंग ऑन माई चैनल, क्योंकि मैं हमेशा प्रमोट कर रहा था निंटेंडो को. एंड कोई अब आके कह दे कि नहीं ये तो बर्बाद है, तो मतलब मैंने 200 वीडियोज़ बनाई किस चीज़ के लिए ऑलमोस्ट. तो गाइस यार, ये जो वीडियो है वो किसी को डिस करने के लिए या फिर किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं है. ये बेसिकली उन कुछ पॉइंटर्स को बताने के लिए है ताकि आप क्लैरिटी रखो अपने दिमाग में कि क्या निंटेंडो ओलेड या निंटेंडो स्विच इंडिया में खरीदना सही में पैसे बर्बाद है, क्योंकि निंटेंडो की अच्छी खासी कम्युनिटी है इंडिया में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. तो इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनसे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं उनकी वीडियो में. तो जो पहली चीज़ है ये कि निंटेंडो के इंडिया में सर्वर नहीं है, तो निंटेंडो ईशॉप बहुत स्लो चलती है एंड डाउनलोड स्पीड बहुत स्लो है. तो इसके लिए मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं जो मेरे खुद के ओलेड की है. और यार इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये जो क्लिप है वो एक्चुअल इतनी ही क्लिप है. तो आप खुद देख लो कि कितना टाइम लगता है निंटेंडो ईशॉप को खुलने में इंडिया के अंदर. तो यार इस वीडियो में आप खुद देख सकते हो कि कोई 2-3 मिनट नहीं लगता है निंटेंडो ईशॉप को इंडिया में खुलने के लिए. एंड मेरा भी बहुत नॉर्मल वाईफाई का स्पीड है, कोई एक्सट्रीमली हाई फास्ट इंटरनेट नहीं है. तो जो ई शॉप वाली बात है वो तो चलो यहीं ख़त्म हो जाती है. एंड यार अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डाउनलोडिंग स्पीड्स निंटेंडो स्विच ओलेड पे कितनी फास्ट है. एंड इसके लिए मैं आपको दिखा दूँ कि ये 14 GB की है फोर्टनेट जो निंटेंडो स्विच पे है. एंड इसको क्लिक करते हैं डाउनलोड करने के लिए, और जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं वो ऐड हो जाती है हमारी गेम्स की लिस्ट में कि ये डाउनलोड हो रही है अभी. एंड जैसे ही ऐड होगी, देखिए ऐड हो गई. एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको ओपन होने में एंड ऑल्सो कि डाउनलोड 14 GB डाउनलोड होने में कितना टाइम लगता है. एंड ये वीडियो बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्डेड नहीं है, एंड जो टाइम आ रहा है वो रियल टाइम है. तो देखिए स्टार्ट भली 2 घंटे कुछ से हुई थी, बट 14 GB के डाउनलोड के लिए वो जो टाइम लिमिट है वो कम होती जा रही कम हो जाती है और लगभग बाय द एंड ऑफ इट 1 आवर शो करता है कि इतने में डाउनलोड हो जाएगा. एंड ऑल्सो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिसमें मैं अपनी इंटरनेट वाईफाई की स्पीड दिखा रहा हूँ आपको. तो यार जैसा कि आप उनके वीडियो में देख पाओगे, उन्होंने अपनी इंटरनेट स्पीड शो करी थी जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा थी. तो उनका जो एक क्लेम था कि उनको पूरी रात लग रही है निंटेंडो गेम्स डाउनलोड करने में, मुझे कुछ समझ नहीं आया. एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अटर नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी रात नहीं लगती है कोई भी गेम डाउनलोड करने में निंटेंडो की. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, उनके जो कॉन्स्टेंट कंपैरिजन उन्होंने किया है कि प्लेस्टेशन 5 से या फिर एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से, मेरे पास खुद एक एक्सबॉक्स सीरीज एस है एंड भले ही वो 35,000 का इंडिया में 35,000 का, लेकिन उस कंसोल को खेलने के लिए आपको एक टीवी, एक मॉनिटर ऑलरेडी चाहिए होता है एंड आपको कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है. एंड उसके बाद उसकी भी गेम्स पैसे खर्च होती है भले ही गेम पास एग्जिस्ट करता है. एंड प्लेस्टेशन की गेम्स भी कोई बहुत सस्ता नहीं आती है. एंड प्लेस्टेशन 5 चाहे आप डिजिटल एडिशन ही लेते हो 40,000 का अगर आपको मिल गया वो है, तो उसके बाद भी तो आपको एक 4K टीवी खरीदना ही पड़ेगा उसका फुल एक्सपीरियंस लेने के लिए. तो निंटेंडो आप आउट ऑफ द बॉक्स खेल पाते हो, तो एक कॉन्स्टेंट कंपैरिजन वो भी एक 5 साल पुराने कॉन्सोल के साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं है. यार अब बात करते हैं जो उन्होंने एग्जांपल लिया GTA ट्रिलॉजी का कि निंटेंडो स्विच पे बहुत बुरी चलती है एंड निंटेंडो स्विच तो मतलब बिल्कुल ही रद्दी है क्योंकि GTA सैन एंड्रियास उस पर अच्छे से नहीं चल रही है. इट इज़ नॉट अ हिडन सीक्रेट कि GTA ट्रिलॉजी किसी भी कॉन्सोल पे परफेक्टली पोर्ट नहीं की गई है एंड ऑल्सो मोबाइल्स पे ये आई भी नहीं है. तो मुझे नहीं पता उनका कौन सा मोबाइल है जो GTA 3 का डेफिनेटिव एडिशन चला रहा है, क्योंकि अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुआ है. एंड आई थिंक वो उसका रिलीज़ पुश भी हो गया इसी वजह से, क्योंकि वो पोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं उसको ढंग से. एंड इन गेम्स में ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है. निंटेंडो स्विच का हार्डवेयर हर कंपनी को पता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप गेम्स बनाओगे तो ऑफकोर्स वो वैसे ही अच्छे से चलेगी. मॉन्स्टर हंटर राइज एक बहुत बड़ा टाइटल है एंड AAA टाइटल है एंड उसने एक्सक्लूसिव गेम निकाली थी मॉन्स्टर हंटर राइज सिर्फ निंटेंडो के लिए एंड दैट गेम वर्क्स परफेक्टली ऑन द निंटेंडो स्विच. तो सिर्फ ये कह देना कि यार इसका ये कंसोल ही घटिया है क्योंकि इस पर ये पर्टिकुलर गेम अच्छी नहीं चल रही है, उस पर बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इंक्लूड करते हैं कि कंपनी ने अपनी तरफ से कितना एफर्ट डाला उस गेम को पोर्ट करने में एक हैंड हेल्ड कॉन्सोल में. एंड ऐसी कई गेम्स का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल विचर 3 जो अमेजिंगली पोर्ट की गई है, डूम इटर्नल ये दोनों गेम्स भी निंटेंडो स्विच पर रन करती है. एंड टू बी ऑनेस्ट हैंड हेल्ड में आप ये वाली गेम्स किसी भी और कॉन्सोल किसी भी और ब्रांड में नहीं खेल सकते हो. एंड सिर्फ यही नहीं यार, निंटेंडो की जो गेम लाइब्रेरी है वो थाउजेंड्स में है
तो हज़ारों डेवलपर्स उसके लिए गेम्स बना रहे हैं, वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है अगर वो किसी कॉन्सोल के लिए कॉन्स्टेंटली गेम्स बना रहे हैं। क्लियरली किसी को तो ये गेम्स पसंद है, वो इसलिए बार बार बनाते रहते हैं। तो बिना निंटेंडो की खुद की फर्स्ट पार्टी एक्सक्लूसिव गेम्स खेले बिना इस कंक्लूजन पे आना कि यार निंटेंडो पे तो गेम्स ही अच्छे नहीं चलती हैं, आपको मज़ा ही नहीं आएगा खेलने में, आई थिंक इट्स कम्प्लीटली नॉनसेंस। तो अब बात करता हूँ कुछ उन चीज़ों की जिन जो उन्होंने वीडियो में बोली है, जिनसे मैं कम्प्लीटली अग्री करता हूँ। एंड वो सबसे पहली है कि इंडिया में इसकी वारंटी नहीं है। ऑल दो काफ़ी सेलर्स अब क्या करते हैं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देते ही है 10-15 दिन की, तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आते हैं तो वो कवर हो जाते हैं उसमें। सेकेंडली जो उन्होंने कहा कि इसका चार्जर बाहर से आता है, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि 40-50 रुपये का वो अडैप्टर आता है, तो वो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, ये एक्सटेंशन बोर्ड मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, एंड अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको अडैप्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना निंटेंडो चार्जर इसमें डायरेक्टली डाल सकते हो। ऑल्सो यार वो पूरी वीडियो में कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक कॉन्सोल लिया था, उनका ड्रीम कॉन्सोल था कि और पहला निंटेंडो कॉन्सोल था, तो ऑफकोर्स बिना रिसर्च करे तो नहीं लिया होगा, तो उन्हें ये बातें ऑलरेडी पता थी। तो अगर कोई भी निंटेंडो इंडिया में खरीद रहा है तो ऑलरेडी उसे पता होता है कि कौन सी गेम्स खरीदनी है ना। उन्होंने सरप्राइजिंगली सिर्फ मारियो ओडिसी खेली है, मतलब ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड अभी सेलेक्ट ही तक नहीं थी। तो मतलब काफ़ी कुछ है निंटेंडो पे यार इंडिया में भी। एंड प्लीज़ आप सिर्फ एक उस वीडियो को देख के इस डिसहार्टन मत हो जाओ, एंड अपना डिसीजन सिर्फ उस एक वीडियो पे बेस मत। तो यार दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। ये थोड़ी सी रैंट टाइप वीडियो हो गई क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि किसी ने बिल्कुल ही मतलब डिसमिस ही कर दिया, एंड काफ़ी फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू बी ऑनेस्ट उस वीडियो में थी। तो इसीलिए सिर्फ यही रीज़न है आपको अवेयर करने का कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट करिए मेरे चैनल के किसी भी वीडियो पर, एंड मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा आपके हर डाउट को। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।